हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, वो लेके आई हूँ स्क्वायर ट्रिक्स, यानी अपने किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिसकी सहायता से अपने स्क्वायर है वो आसानी से एक सेकेंड चुटकियों में भी हल कर सकते। इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्क्वायर कैसे करते हैं। मैं कौन सी संख्या की स्क्वायर यहाँ पे आपको समझाऊंगी, वो होती है जैसे मान लो 5 हो गया, उसके बाद 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, अब इन संख्याओं की अपनी स्क्वायर है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन है, सोल्व हो, अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, अपनी शॉर्ट ट्रिक से इसका है स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो अभी ये जो मैं ट्रिक्स कराई हूँ वो उस पे लागू होगी जिसके पीछे 5 हो, जिसकी जो इकाई डिजिट है वो 5 हो, उसी पे लागू होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने को 5 का तो पता है कितना होता है, 25 होता है। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था 25 होता है, ये तो सिंपल है। अब देखो 15 का अपने कैसे करेंगे, जो पीछे 5 होता है ना, 5 का अपने 25 लिखेंगे। जैसे ये पीछे 5 है तो यानी पीछे 25 आएगा ही, ये तो कन्फर्म है, इसको अपने नकार नहीं सकते। ठीक है बच्चों, सभी में पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। जिसके पीछे 5 है उसकी मैं ट्रिक्स लेके आई हूँ, पीछे 5 है सभी से 5 होगा। आगे वाली जो संख्या है ना, उसके जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 1 है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 है 2 है 2 को उसके जस्ट आगे वाली संख्या 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 6, 4 है 3 है 3 के आगे वाली संख्या क्या होती है 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 12, 4 को आगे वाली संख्या से 20, 5 को जिस उसके आगे वाली संख्या से 30। इसी तरह जैसे अगर मैं बात करूं 75, 85, 95 और 105, सेम ट्रिक्स है। पीछे क्या आ रहा है 5, तो 25 का 6 है, 6 के आगे वाली संख्या क्या होती है 7, 6 को 7 से किया 42, ये 5 का 5 आएगा। 7 के इसके जस्ट आगे वाली संख्या 8 से किया कितना हुआ 56, 5 का 25, इसके आगे वाली संख्या 9 है तो कितना हुआ 72, ये 25 है, 9 के आगे वाली संख्या 90, उसके बाद ये 5 है 10, ओनली 5 देखना है, 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है 11, तो इसको किया 110। उसी तरह अगर मैं 115 की बात करूं, पीछे 5, इसको जब मैंने 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 132। अगर मैं 125 की बात करूं तो 5 का क्या होगा 25, 12 के आगे वाली संख्या 13, 12 को 13 से गुणा कर 156। समझ आई बिल्कुल ही जैसी ट्रिक्स है, आई होप आपको समझ आई होगी। कैसे करेंगे, पीछे जिसमें 5 डिजिट होगी उसके लिए ट्रिक्स है, 5 का 25 आएगा हर क्वेश्चन में, लेकिन जो आगे वाली उसकी आगे वाली जो डिजिट है ना, उसको जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 का 5, 8 के आगे वाली संख्या 9 से, 9 के आगे वाली 10, 10 के आगे वाली 11, 11 के 12, 12 के 30। इस तरह अपने कोई भी डिजिट है उसको उसके जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके, जिसके पीछे 5 डिजिट है उसी में ये जो ट्रिक्स है वो लागू होगी। तो इस तरह अपने मल्टीप्लाई है वो कर सकते हैं। आइए, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर किया करो बच्चों, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और जिससे हमें आगे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू बच्चों।